हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसको हम सीमित देता भागीदारी कहते हैं आज के समय में ये इस समय जो करंट एरा हमारा चल रहा है इसमें ये एलएलपी की के नाम से काफ़ी पॉपुलर है और बहुत जगह ये चल रहा है तो देखिए इसके पास जो फीचर्स होते हैं या इसके ऊपर रूल जो एप्लीकेबल होते हैं वो तो पार्टनरशिप के होते हैं पर पार्टनरशिप में लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती पर यहाँ होती है लाइबिलिटी लिमिटेड तो ये कंपनी का एक फीचर है जो इनके पास होता है इसीलिए इसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहा गया है तो क्या होती है ये कब ये एक्ट आया था कैसे इसको स्टैब्लिश किया गया था वो आज हम इस वीडियो के थ्रू चलेंगे इसके क्या फ़ीचर्स हैं क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं ये इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे बेसिकली हम पूरा एलएलपी समझेंगे कि एलएलपी है क्या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है ये 2008 में आया था पब्लिश किया गया था इसको ऑफिशियल गजट में जो 9 जनवरी 2009 को पब्लिश हुआ था एंड हैज बीन इन इफेक्ट सिंस 31 मार्च 2009 तो इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 31 मार्च 2009 से एक्ट 2008 का है पर एप्लीकेबिलिटी हुई है 31 मार्च 2009 से

एक्ट पब्लिश हुए और ये रूल एप्लीकेबल हुआ उससे एक दो दिन बाद ही ये बन गई थी कुछ एलएलपी के एग्जाम्पल जो हैं मैंने आपके सामने यहाँ पर ले रखे हैं एयर लॉजिस्टिक एलएलपी है जो अपनी सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड देती है अक्षय आहार एलएलपी है तो आहार से आप समझ सकते हैं कि किस टाइप की अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं ऑर्गेनाइज और सोसाइटी को अरोमा मेड फार्म एल एल पी तो ये फार्मास्यूटिकल लाइन के अंदर है ये उस काम को देख रहे हैं एल एल पी कर और ई एम वी ई माइन्स एंड मिल तो माइन्स एंड मिल से रिलेटेड जो है एल एल पी ये बनी हुई है और एक है एस्ट्रा कैटरिंग सर्विसेस तो ये कैटरिंग है ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि फूड स्टफ से रिलेटेड बिजनेस रन किया जा रहा है इनके थ्रू इन एल एल पी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो ये कुछ एग्जाम्पल और कब ये बना था एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ था एंड एल एल पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिमिटेड पार्टनरशिप क्योंकि जब हमने पार्टनरशिप पढ़ी है तो हमने देखा है कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में एक लिमिटेड पार्टनरशिप होती है उस लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक कम से कम एक मेंबर एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बाकी सबकी लिमिटेड होती है और जिनकी भी लिमिटेड होती है उनके पास बहुत सारी राइट्स नहीं होती बट यहाँ एल में ऐसा नहीं होता एन एल एल पी ऑपरेट लाइक के लिमिटेड पार्टनरशिप काम तो वो उसी तरीके से करती है लिमिटेड पार्टनरशिप के बट इन एन एल एल पी ईच मेंबर्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम पर्सनल लाइबिलिटी एक एक मेंबर प्रोटेक्ट है किसी की भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एल एल पी लिमिटेड लाइबिलिटी जब भी होती है तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेस पर ही होती है ठीक है तो यहाँ ईच एंड एवरी पार्टनर कवर है उसके अंदर वहाँ नहीं होता लिमिटेड पार्टनरशिप में फॉर ऑल पर्पज ऑफ टैक्सेशन अगर टैक्स की बात की जाए चाहे सर्विस टैक्स हो चाहे किसी भी टाइप का स्टिपुलेटेड टैक्स पेमेंट हो एल एल पी इज ट्रीटेड लाइक ए पार्टनरशिप फर्म तो इसको एक पार्टनरशिप फर्म ही माना जाता है मतलब इसके ऊपर टैक्सेबल जो रूल एप्लीकेबल होते हैं वो सारे पार्टनरशिप फर्म के होते हैं लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू ईच पार्टनर एग्रीड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एल वो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं नो पार्टनर इज लाइबलर वहां नहीं मिलेगी फैसिलिटी आपको अगर किसी भी पार्टनर ने अपने आप कोई या अनऑथोराइज एक्शन किया है तो उसके लिए वो दूसरे पार्टनर को लाइबल नहीं कर सकता आप अगर पार्टनरशिप को पढ़ोगे तो पार्टनरशिप में आप पाओगे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है साथ ही साथ जॉइंट भी होती है वहां पर एक पार्टनर जो है वो एक एजेंट के रूप में भी काम करता है और एक प्रिंसिपल के रूप में भी काम करता है वो एलएलपी में नहीं होता कोई इंडिपेंडेंट एक्शन अगर किसी पार्टनर ने लिया है या कोई अनऑथराइज एक्शन किया है तो उसके लिए वो दूसरे पार्टनर को लाइबल नहीं कर सकता एंड एल एल पी शेल बी ए बॉडी कॉरपोरेट तो अब ये देखिए कंपनी का फीचर उसमें आ गया कि उसको जो लीगल स्टेटस प्राप्त होता है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी का मिलता है और एक अलग से लीगल एंटिटी उसकी बन जाती है फ्रॉम इट्स पार्टनर पार्टनर से वो अलग होती है इट विल हैव ए प्रीप्यूचुअल सक्सेशन उसके पास प्राप्त होती है मतलब कि उसको कानून ने क्रिएट किया है कानून के द्वारा ही उसका एंड हो सकता है इंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है सेल नॉट बी एप्लीकेबल टू एलएलपी उनके पर वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता जो पार्टनरशिप फॉर्म पर एप्लीकेबल होता है एंड देयर शेल नॉट बी एनी अपर लिमिट ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर वहाँ आपको मिलेगी रूल टेन पचास कहता है और एक सेक्शन है वो उसमें सौ कहता है वो लिमिट यहाँ पर एल एल पी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती अनलाइक एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है जिसमें मैंने लिख भी रखा है ये रूल टेन के अकॉर्डिंग है जो कितने कहते हैं फिफ्टी कहते हैं ठीक है यहां पर वो रूल भी एप्लीकेबल नहीं होता एल एल पी एक्ट हैज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दैट वन ऑफ द पार्टनर इन द एल एल पी मस्ट बी इंडियन एक कंडीशन लगा रखी है कि कम से कम एक पार्टनर इंडिया होना चाहिए अगर एल एल पी इंडियन में रजिस्टर्ड की गई है अ, 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 अंडर द एक्ट एल एल पी का जो भी एक्ट है टू थाउजेंड एट में जो पब्लिश हुआ था उसके अकॉर्डिंग और जिसमें अमेंडमेंट दो हजार सत्रह में आई थी प्रोविजन हैज बिन हैव बीन मेड फॉर द कॉरपोरेट एक्शन लाइक मर्जर एक्विजिशन वो इसके ऊपर एप्लीकेबल है जो एक नॉर्मल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो काम ये भी कर सकते हैं वाइल एनेबलिंग द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप अगर कभी इसको बंद करना पड़े एल एल पी को या इसका डिजोल्यूशन हो हैव बिन मेड डिटेल प्रोविजन इन दिस रिगार्ड वुड बी प्रोवाइड बाई वे ऑफ रूल अंडर द एक्ट तो वो सारे रूल्स जो हैं एक्ट के अंदर लिखे हैं जो एलएलपी एक्ट है उसके अंदर वो सारी मेंशन है कि एक एलएलपी को कैसे वाइंड अप किया जा सकता है उसको कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी शेल रजिस्टर्ड एंड कंट्रोल एलएलपी तो देखिए कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो एलएलपी को रजिस्टर्ड करेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इस पर एप्लीकेबल नहीं है तो इसका रजिस्ट्रेशन कहां होगा जहां पर कंपनी का रजिस्ट्रार होता है और वही इसको कंट्रोल करता है इसीलिए इसको बॉडी कॉरपोरेट भी कहा गया है अब इसकी फीचर्स तो पहला फीचर देखें तो हम पढ़ चुके हैं अब तक के सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो एक कंपनी को भी होती है तो वो इनको भी होती है वो अपने पार्टनर से अपना अलग अस्तित्व रखती है इसीलिए यहां पर लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई है कोई मिनिमम कैपिटल की जरूरत नहीं है जो कंपनी में तो होती है कि आपको कम से कम जो है जब भी आप इशू करें शेयर तो 90 परसेंट की होनी चाहिए यहाँ ऐसा कोई मिनिमम कैपिटल का क्राइटेरिया भी एप्लीकेबल नहीं होता कोई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की भी कोई ऐसी वो नहीं है हाँ बस कम से कम दो ज़रूर होने चाहिए वो तो होंगे ही होंगे क्योंकि बिना उसके पार्टनरशिप नहीं हो सकती अकेला तो या तो मैं सोल प्रोपराइटर के रूप में बिजनेस कर सकता हूँ या ओ बना सकता हूँ वन परसेंट कंपनी बना सकता हूँ बाकी कम से कम यहाँ पर दो पार्टनर जब भी पार्टनरशिप होगी तो साझेदारी कम से कम दो लोगों में होती होती है बस वही है बाकी कोई मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने उसको ले सकते हैं तो असल में ये मिनिमम नंबर की जगह मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होना चाहिए जब पॉइंट ज्यादा बेटर वही में रहेगा तो अगर मैं यहां लिख दूँ कि मैक्सिमम नंबर तो कोई लिमिट उसकी सेट नहीं है ठीक है तो ये एक इसकी विशेषता है आगे देखें तो कोई भी इनका कोई इनको कंपलसरी ऑडिट कराना जरूरी नहीं है तो इनका कोई कंपलसरी ऑडिट भी नहीं होता इन केस ऑफ एल 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 पी देयर इज़ नो सच मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर इज रिक्वायर टू गेट ऑडिट डन ओनली इफ कब उनको अपना ऑडिट कराना जरूरी हो जाता है जब वो जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पच्चीस लाख से ऊपर पहुँच जाए और जो उसकी सेल है वो चालीस लाख से ऊपर पहुँच जाए तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ही उनका ऑडिट होगा नहीं तो उनको ऑडिट कराने से छूट प्राप्त होती है गुण अब गुण का मतलब मेरिट्स अगर देखें तो मेरिट्स में देखिए सबसे पहला है कि इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल ज़्यादा है इंटरनल uh, स्ट्रक्चर अगर एलएलपी का बनाना हो तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आपको अवेलेबल है क्योंकि uh, कुछ फीचर पार्टनरशिप के और कुछ फीचर कंपनी के लेके इसको बनाया गया है तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल वे में काम करती है आपने देखा है यहाँ पर कोई मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर नहीं स्टेब्लिश है तो वो एक इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर uh, या एडवांटेज के रूप में काम करता है रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड डिपेंड ऑन द पार्टनर विल पार्टनर जैसा चाहे वैसा उस खर्च कर सकते हैं उसके फंड कैन बी बॉट एंड यूटिलाइज ओनली एज पर द नॉर्म्स लिस्टेड इन द कंपनीज एक्ट 2013 तो आप उस फंड को यूज कैसे कर सकते हो उसके जो नॉर्म्स हैं वो कंपनीस एक्ट के एप्लीकेबल होते हैं क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन भी कंपनीज एक्ट में ही हुआ है एक तरीके से एल को एग्जेम्प्ट होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना डी लगता है एक कि जब भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक टैक्स पे करना पड़ता है वो एल एल पी को से एग्जम्पन है जो कंपनी को पे करना पड़ता है प्रोफेशनल लाइक चार्ट अकाउंटेंट कोस्ट अकाउंटेंट एडवोकेट इंजीनियर डॉक्टर मे प्रेफर टू रजिस्टर एज एल एल पी तो जितने भी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो कोस्ट अकाउंटेंट हो एडवोकेट हो इंजीनियर हो डॉक्टर हो ये ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो एक एल एल पी बनाए एक नॉर्मल पार्टनरशिप के मुकाबले क्योंकि यहाँ इनके पास बहुत सारे फीचर कंपनी के इनको मिल जाते हैं अब इसकी कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं तो पहली ये है कि एनी एक्ट ऑफ द पार्टनर विदाउट अदर पार्टनर में बाइंड द एल एल पी एनी एक्ट ऑफ द पार्टनर विदाउट द अदर पार्टनर में बाइंड द एल एल पी तो कोई भी एक्ट जो है पार्टनर का बिना पार्टनर के वो उस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को बाइंड तो करता है पर दूसरे पार्टनर उसके लिए लाइबल नहीं होंगे लाइबल होगा वही पार्टनर ठीक है पर एल को बाउंड कर सकती है मतलब कि वो एजेंट उस रूप में है कि उसने फॉर्म को बाउंड बाउंड कर दिया एल को बाउंड कर दिया एल जो है वो रेज नहीं कर सकती पब्लिक से पैसा तो जैसे कंपनी कर सकती है पब्लिक से पैसा मतलब कि शेयर वगैरह फंड वगैरह सिक्योरिटी वगैरह इशू कर कर एल वो काम नहीं कर सकती तो वहाँ इसके ऊपर पार्टनरशिप का रूल एप्लीकेबल हो जाता है तो इसी वजह से वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटल फॉर्म्स जनरली प्रेफर नॉट टू इन्वेस्ट इन एल एल पी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर प्रेफर्ड ओवर एल एल पी तो जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं या जो जॉइंट वेंचर वाले कैपिटल फॉर्म्स होती हैं वो कभी भी अपने आप को एल एल पी में रजिस्टर कराना प्रेफर नहीं करती कुछ डिसएडवाटेज की वजह से उससे ज़्यादा वो चाहती हैं कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर लूँ वहाँ उनको थोड़ा ज़्यादा आज़ादी होगी वो वहाँ पर फंड तो पब्लिक से रेज नहीं कर सकते पर उनके ऊपर बाकी बहुत सारे एडवांटेज वहाँ उनको मिलते हैं तो इसलिए एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल कभी भी एलएलपी में अपना बिजनेस स्टार्ट करना पसंद नहीं करते तो ये कुछ आ, बेसिक एलएलपी के बारे में जानकारी आपको दी मैंने जिससे एल एल पी का टॉपिक हमारा जिस भी लेवल पर पूछा जा रहा है ट्वेल्थ में पार्टनरशिप में पूछा जाता है उसके अलावा जो आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ भी इसको यूज़ होता है उस हिसाब से मैंने आपको एल एल पी की नॉलेज प्रोवाइड की सो so दैट आप उसको वहाँ पर उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनको ईज़ीली आंसर कर पाएँ आज की वीडियो इतनी थी थैंक यू